कि देश के प्रधानमंत्री का अडानी जो फर्जी कंपनियों का मालिक है उससे क्या संबंध है। लोगों में रोष है, ये लोग बैरिकेड को पकड़ के लगातार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाठियां टूट जाएंगी या हमारे दिलों से राहुल गांधी को नहीं निकाल पाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी ने जो संसद में सवाल किया उसके उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया। इसके आंधी आए तूफान आए गोली चले, इस निकम्मी लूली सरकार से हम यूथ कांग्रेस वाले डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए आज सब हम संघर्ष कर रहे हैं। बैरिकेड पे चढ़ना चाह रहे, पुलिस वहां से लाठी चार्ज कर रही है और जबरदस्ती सबको बस में डाल रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सबको डिटेन कर लिया गया है पुलिस कर्मी के द्वारा और अब सब लोग बस के अंदर है, सारे कार्यकर्ता को लेके जा रही है तो आप देख सकते हैं। और नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं, बैरिकेड जंप करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद है, मीडिया वाले हैं और ये लोग सब बैरिकेड के ऊपर से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स किस प्रकार से ये लोग बैरिकेड तोड़ के ये लोग प्रधानमंत्री ऑफिस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट तक हम लोग पहुंचेंगे, ये लोग बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। लग रहा है इन लोगों को डिटेन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ वाले पुलिस सारे फौज के लोग यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है डिटेन करने के लिए। यहाँ पे सारे जो ये लोग आप देख सकते हैं विजुअल्स, जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता सब लोग बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं और इन लोगों को डिटेन करने की नौबत आ गई है। लग रहा है अब ये लोग डिटेन होने वाले हैं। आप लोग विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे एक वैन खड़ी है और यहाँ पे सीआरपीएफ वाले पुलिस वाले सब लोग मौजूद है। देख लीजिए, ये देखिए किस तरीके से ये लोग चढ़ रहे हैं यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं ये मुंबई के एमएलए है और ये लोग यहाँ से चढ़ के। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम सांसद का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुंबई से आया हूँ, अलग अलग कोने से अलग अलग लोग आए हैं और राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए आज सब हम संघर्ष कर रहे हैं और देश के अलग अलग कोने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस रस्तों पर आक्रमक तौर से अटका हुआ है। आप लोग बैरिकेड पे क्यों चढ़े हुए हैं? आप लोग बैरिकेड पे क्यों चढ़े हुए हैं? जैसे हमने कहा, हम सांसद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पुलिस रोक सांसद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम सांसद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्ण धरना कीजिए, आप लोग इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? हमारे नेता के साथ अगर होगा तो यूथ कांग्रेस आक्रमक तौर पर रस्तों पर जरूर आगे। और आप क्या करेंगे? आप लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा? डिटेन किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, हम रस्तों पर जरूर उतरेंगे। आए गोली चले, तूफान चले, राहुल गांधी जो राहुल गांधी जी के सिपाही है हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? आंधी आए, आंधी आए, तूफान आए, गोली चले, इस निकम्मी लूली सरकार से हम यूथ कांग्रेस वाले डरने वाले नहीं है। जिस तरीके से नफरत की भावना से ये राहुल गांधी जी को सजा दी जा रही है, ये देश माफ नहीं करेगा। देश के जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था। नहीं नहीं, आप लोग बैरिकेड पे क्यों चढ़े हुए हैं? आप लोग शांतिपूर्ण धरना ये चढ़े हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के घर पे हम लोग घुसेंगे और मोदी से पूछेंगे कि देश में जो हिंदू मुसलमान करके आपने ये नफरत का माहौल कर रखा है इससे आप बचिए। और राहुल गांधी जी की सेना जो हम लोग, आप लोग डिटेन हो जाएंगे अभी? अभी बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस, वहाँ जाके डिटेन होंगे। आपको लग रहा है कि आप लोग जा पाएंगे? इतनी फौज खड़ी है। देखिए, आज से पहले भी फौजें हुई थी, जब हम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया तो ये फौज क्या है? और ये फौज नहीं है। अंग्रेज कौन है? आप अंग्रेज किसको बोल रहे हैं? अंग्रेज जो मोदी की दलाली करते थे ना, अंग्रेज अंग्रेजों की गुलामी करते थे, वो अंग्रेज है। ये लोग चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? क्यों यहाँ पे बैठे हुए? डरो मत, ये तो आप लोग तो डर के इतना धरना दे रहे हैं। हम चेहरा नहीं छुपा रहे मैडम, हम जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कटप्पा की तरह राहुल गांधी की जो लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसमें छुरा घोंपा है, छल कपट। आप मोदी जी को चोर बोलेंगे? मोदी जी बिल्कुल चोरों वाली हरकतें कर रहे हैं। कैसे, कैसे चोरों वाली? लोकतंत्र में लड़ाई इज्जतदार होनी चाहिए। आप इतने ही मजबूत हैं तो मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, वायनाड से जाके चुनाव लड़िए। ये देखिए, ये देखिए।
नरेंद्र मोदी जी जो पुलिस आगे कर रही है हर बार पे, नरेंद्र मोदी जी जो अपने हमारे देश के पैसे को अपने मित्र को देने का काम कर रही है, राहुल गांधी जी ने जो संसद में सवाल किया उसके उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया, इसके आप लोग इधर देखिए, आप लोग इधर देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे महिलाएं हैं मौजूद, ये पूरा विजुअल आप देखिए, देखिए बैरिकेड हटाया जा रहा है, सारे कांग्रेस के सदस्य जो है बैरिकेड हटा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग दंगा मचाए हुए, ये लोग किसी भी हालात में पीछे नहीं आएंगे, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, अब लग रहा है ये लोग, आप लोग देखिए विजुअल, देखिए हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में बैरिकेड तोड़ने पे आ गए हैं, अब ये लोग बैरिकेड तोड़ के ही मानेंगे, आप लोग देख सकते हैं विजुअल देख सकते हैं, मानने वाले लोग हैं और हम लोग ऐसा बैरिकेड 10 फुट भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग उग्रवादी बन रहे हैं, आप लोग उग्रवादी नहीं, हम लोग बैरिकेड को तोड़ के तो जाएंगे, हमारी बात रखेंगे तो बैरिकेड को तो बाहर करना पड़ेगा, हम लोग को पुलिस वाले क्यों इतनी बड़ी संख्या में है, हम लोग को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोग बैरिकेड को चढ़ना चाह रहे, पुलिस वहाँ से लाठी चार्ज कर रही है और जबरदस्ती सबको बस में डाल रही है, हम लोग को अपना आवाज रखने का टाइम मिलना चाहिए और हम लोग बैरिकेड तोड़ेंगे, आप देखते रहे ये सब बैरिकेड टूटेगा, देख सकते हैं आप लोग, ये लोग बोले चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग बैरिकेड तोड़ेंगे, इन लोगों को कैसे भी संसद का घेराव करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में युवा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये लोग सब बैरिकेड तोड़ने पे आ गए, ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी हालत में हमें मोदी जी के पास तक जाना, हमें संसद का घेराव करना है, हम आप लोग बने रहिए, हम लोग आपको और भी जोश दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखिए ये राहुल गांधी भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, आक्रोश में हम तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे नेताजी को बाहर कर दिया गया है सांसद से, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी मोदी जी को चोर बोलेंगे तो संसद से बाहर, क्या चोर बोले, कोई चोर नहीं बोले, सही बोले जो बोले हैं, सही तो कहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सब चीज महंगा हो गया, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि किस प्रकार से दर्शक दिल्ली पुलिस इन लोगों को भगा रही है, इन लोगों से खदेड़ रही है, आप लोग विजुअल्स देखिए हमारे साथ में, हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ
यहाँ लोग हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं बैरिकेड, आप लोग बैरिकेड की हालत देखिए, बैरिकेड को इन लोगों ने गिरा दिया है, लगभग सारे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई है। हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ देखिए वो एक कुछ लोग वहाँ पोल तक चढ़े हुए हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है मोदी के खिलाफ। ये लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, देखिए किस प्रकार से पुलिस यहाँ पे मौजूद है, लोगों को रोकने की कोशिश है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुलिस, पुलिस इन लोगों को बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे। आप लोग देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, अब कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं बीच में, मैडम पीछे पीछे पीछे, देश के युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। देश का युवा कन्याकुमारी से कश्मीर तक यहाँ अपने सवालों को लेकर पहुंचा था कि देश के प्रधानमंत्री का अडानी जो फर्जी कंपनियों का मालिक है उससे क्या संबंध है, 20,000 करोड़ रुपए जो विदेशी खातों में पाया गया वो किसका है। आप इसमें अभी क्या कर रही है, आप ही लोगों के समर्थन में है। हम लोग संसद कूच करना चाहते थे, पुलिस का अधिकार था, ये हमारे को क्षेत्र मिला था प्रोटेस्ट करने का। हम संसद जाता जा रहे थे सवाल पूछने, परंतु मोदी की पुलिस ने बैरिकेड से पहले ही पुलिस लगा दिया और ये हमको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। मैं सीधे तौर पे कहूँ कि देश का युवा डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, विश्व में जाके कैम्ब्रिज में जाके सुनो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, आज आपको युवा नौजवान सब चोर बोल रहे हैं। आपने हमारी जेबों में डाका डाला है और अपने मोदी मित्रों को आपने उनकी जेब भरने का काम किया। केवल आप केवल को आपको केवल चोर राहुल जी नहीं बोल रहे, आपको देश का युवा, युवा माँ बहने सब आपको चोर बोल रहे। आप चोर हैं क्योंकि आपकी अडानी, आपका और अडानी का संबंध आपके चोर होने का सबूत है। आप लोग अभी आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस आप लोग को घिराव कर रही है, जाने नहीं दे रही है, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? सड़क सड़क गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको युवाओं का कल जल जला दिखेगा। ये युवा आपको सड़क सड़क पर मिलकर पूछ से मिलेंगे कि मोदी जी देश की गुड़ कमाई आपने अपने मित्रों के। ये देखिए, अभी हमारे साथ एक युवा, एक व्यक्ति मौजूद है जिनके सीने पे राहुल गांधी की तस्वीर है। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये राहुल गांधी की तस्वीर अपने सीने पे लगाए हुए हैं। लाठियां मार दी है, लाठियां मारे लाठियां टूट जाएंगी या हमारे दिलों से राहुल गांधी को नहीं निकाल पाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जाने के लिए तैयार है, ये सरकार डंडे मार रही है, चाकू डंडे मारो राहुल गांधी, राहुल गांधी सीने में है राहुल गांधी। कुछ नहीं, हम कर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सीना फाड़ दोगे जैसे हनुमान ने सीना फाड़ा था श्री राम थे, उसी तरीके से राहुल गांधी के हनुमान के अंदर श्री राम राहुल गांधी बसे हुए हैं। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे खचाखच लोग भरे हुए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, और अभी देख सकते हैं कि ये पूरा खाली हो चुका है, ये जो जगह है ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पे जो है महिला पुलिस कर्मी भी हैं, और आप लोगों को हम कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आप यहाँ पे इससे कुछ देर पहले यहाँ का नज़ारा कुछ और था, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे आपको। आपको सब लोग आप वहाँ देखिए, बस में देखिए कि महिलाओं को भी डिटेन किया गया है, और पुरुष भी। आप दिल्ली पुलिस अपनी गाड़ी लेके जा रही है, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है पुलिस जो है डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस। सारे कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे यहाँ पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता को सबको डिटेन कर लिया गया। आप देख सकते हैं बस में देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाएं भी हैं, और पुरुष भी इसी में मौजूद है। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता को डिटेन किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, यहाँ से कैमरा पर्सन विजुअल्स दिखाइए कि किस तरीके से इन लोगों को
डिटेन किया जा रहा है, जबरन इन लोगों को उठाया जा रहा है यहाँ से। ये लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हम लोग संसद का घिराव करके रहेंगे, लेकिन अभी नजारा कुछ और है। सबको डिटेन कर लिया गया है पुलिस कर्मी के द्वारा और अब सब लोग बस के अंदर है। आप कोई भी अब देख रहे हैं आप दिल्ली पुलिस की बस में सारे कार्यकर्ता को यहाँ पे कार्यकर्ता सारे कांग्रेस कार्यकर्ता को डिटेन कर लिया गया है और बस अब लेके जा रही है सारे कार्यकर्ता को लेके जा रही है। तो आप देख सकते हैं और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ये लोग न्याय दिलवा पाएंगे, ये लोग संसद फिर से बना पाएंगे?